खास दिन बुधवार को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की मंडलीय स्तर महारैली रामलीला मैदान हापुड़ में संपन्न हुई। महारैली की अध्यक्षता वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। अध्यक्षता करते हुए वामन मेश्राम ने 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ईवीएम से स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। केंद्र एवं राज्य सरकार ईवीएम के घोटाले से बनी हुई सरकारें हैं। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने विकास करते हुए केवल विकास शब्द तक ही विकास को सीमित कर दिया है तथा देश की जीडीपी का कंपनी एप्पल कंपनी की जीडीपी के बराबर लाकर रख दिया है। इतने विशाल देश की जीडीपी को खत्म कर दिया है। शिक्षा का भी सत्यानाश कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि छात्रों को मुफ्त में बस यात्रा करने को मिलेगी, लेकिन जब गांव में ही बस संचालित नहीं होती तो छात्रों को सुविधा के नाम पर केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने धोखा दिया है। भारत में बेरोजगारी भ्रष्टाचार आतंकवाद चरम सीमा पर है। भारत की रफ्तार 24 के लिए दीपक कश्यप की रिपोर्ट। आज हम लोग जो है परिवर्तन के लिए आए हैं, राजनीति नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो आज देश की व्यवस्था खराब हो गई है उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और आने वाला वक्त परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि जो आज व्यवस्था खराब हो चुकी है, पूरा देश आज बेरोजगार हो गया है, महंगाई आज जबरदस्त हो गई है, लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। आज बच्चा बच्चा दुखी है, रोजी रोटी के लिए परेशान है। जो रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हमें बदल रही है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि ये सरकार हम लोग बदल के रहेंगे और बदलने में आप लोग हमारा साथ दें। जो बताया जा रहा है कि लैब टू आर की सिक्योरिटी में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो वैसे मैंने कह दिया है, मगर प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी के बारे में वैसे हमारे देश में राष्ट्रीय सहमति है, इस पर किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। राज्यों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है राज्यों का इशू है, मगर इस पर राष्ट्रीय सहमति है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियाँ भी इसमें शामिल रहती है। असल बात यह है, जो उसकी जांच पड़ताल होने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो सभा हो रही थी जहां प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, वहां 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वहां थे, लोग 700 ही थे। अब पंजाब की सिचुएशन के बारे में तो आप जानते हैं कि कितना दुखी और प्रताड़ित होकर किसान जो है पंजाब में गए हुए हैं। तो पंजाब के किसान लोगों ने वहाँ मोर्चा संभाला हुआ, तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि वहाँ लोग नहीं गए होंगे। और इस ये सारे देश भर में अगर ये खबर छपी, टीवी पर चली, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका बहुत बुरा और भारी प्रभाव पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने खुद ही प्लान बना करके ऐसा किया, ये नहीं करना चाहिए वैसे प्रधानमंत्री के लेवल के व्यक्ति को। सर, एक टीवी चैनल दिखा रहा है कि कालीचरण को जेल और मेश्राम को माफी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चैनल है सुदर्शन आरएसएस का, और वो आरएसएस के लोग तो कभी भी गांधी के समर्थन में नहीं रहे। कालीचरण का वो समर्थन करना चाहते हैं मगर समर्थन कर नहीं पा रहे थे, तो हमारे नाम का ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सुदर्शन वालों को चुनौती देते हैं कि जो जिस कारण की वजह से हम गांधी जी का विरोध करते हैं, वो सारे के सारे YouTube पर सारे के सारे हमारे वो अवेलेबल है, वो दिखा दें कि हम क्यों कहते हैं। और उसके बाद ये कहें, राजकोट में हमारे खिलाफ केस दायर हुआ था और ये MLA ने किया था, और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि वहाँ केस किया था कि वामन मेश्राम गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, उस MLA को केस वापस लेना पड़ा, जज ने उसको फटकार लगाई, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुझे फैसला देना पड़ेगा था। हमने ये सवाल उठाया था कि गांधी जी को संविधान सभा के कौन से सत्र में राष्ट्रपति का अवार्ड दिया गया, खिताब दिया गया या कहा गया, ऐसा कोई रेजोल्यूशन है तो हमें बताओ, तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव अवेलेबल नहीं है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। पूरे देश में EVM का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो केवल आपके द्वारा उठाया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे EVM पर? अब EVM को पेपर ट्रेल लगाने में हम कामयाब हो गए,
तो प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। तो उन्होंने रास्ता निकाला नरेंद्र मोदी जी ने, और ये हवा सारे देश भर में फैलाई कि मेरी जान को जो खतरा था वो मैं बच गया और बच के वापस आ रहा। ऐसा मैसेज सारे देश के लोगों को दिया। मैं इस संबंध में दो बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है, चाहे किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि प्रधानमंत्री देश का होता है। जब वो प्रधानमंत्री हो जाता है तो वो बीजेपी का नहीं रहता है, वो देश का होता है। और देश की तरफ से जब विदेश में जाता है तो वो बीजेपी का प्रधानमंत्री बोलकर नहीं जाता है, भारत का प्रधानमंत्री बोलकर जाता है।